दोस्तों ये देख रहे हैं आप क्या है मेरे हाथ में, हम वेस्टर्न गेट से आए हैं। ये थोड़ा सा ताजमहल जो मैंने खरीदा है यहाँ पे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हो हैप्पी गाइड। तो दोस्तों आज की वीडियो इसके बारे में है कि आज मैं आया हूँ आगरा के ताजमहल में और इसके बारे में पूरी की पूरी बोलते हैं इसका टूर मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। ये वाला जो पार्ट है सर, इस पार्ट को बोलते हैं रोज गार्डन। पहले इसमें क्या था कि 52 टाइप के रोज पार्किंग की जाती थी। अच्छा, इसमें यहाँ से यहाँ से भी दिखता है क्योंकि जब से इधर खारा पानी की समस्या हुई है सर, बहुत खारा पानी तो पूरा मुँह खारा हो गया, जब से इधर बंद कर दिया इसको। अब इसके अंदर क्या होता है जो बांस होता है ना, कच्चा रहा बांस और केले की पार्किंग। तो आपने सुना होगा बीना बाजार, मीना बाजार। ये मीना बाजार की साड़ियाँ मिलती है ना। अच्छा, मीना बाजार तो दिल्ली में भी है। अरे वो तो है, ये मेन यही था, मेन मीना बाजार यहाँ का है जो अंदर मिलता है। चार स्पेशल चीजें मिलती है जो अच्छा। मैं कहीं भी घूमा ना, क्या वो चार चीजें यहाँ के अलावा क्या है इसमें? पहली चीज बनाई है जो बनाना खाते है ना हम लोग केला, उसका जो ऊपर का छिलका होता है उसमें से रेशा निकाल कर उसकी यहाँ पे साड़ी दी जाती है। अच्छा, और साड़ी इतनी सॉफ्ट होती है जो आप अंगूठी पहनते हो ना, उस अंगूठी में से 9 सेकंड के अंदर पूरा पार्क में डाल देना, धूप लगती जाएगी, फ्रेश बन जाएगी। 5 साल की गारंटी है सर। और दूसरा, 5 साल की गारंटी है, कहीं से कट जाए फट जाए आपकी सिटी में जो खादी भंडार होता है उधर वापस कर दो। जितने की साड़ी थी उसका आधा पैसा कभी भी 5 साल के अंदर। 5 साल की वारंटी भी आप लोग देते हो? और क्या, हम क्या गवर्नमेंट वाले। दूसरी चीज है जो बांस होता है ना, कच्चा हरा बांस, उसको जब नदी में जलवाकर उसका रेशा निकाला जाता है। रेशा निकालने के बाद यहाँ पर रजाई मिलती है। जैसे हम सर्दी में जो यूज करते हैं रजाई 3 से 4 किलो की होती है, हमारे यहाँ जो रजाई है वो मात्र 100 ग्राम की है और इतनी साल पैकिंग होती है। और टूपी है, सर्दी में यूज करेंगे तो 4 कंबल के बराबर गर्मी देगी, गर्मी में यूज करोगे पूरे ठंडा रहेगा, ठंडा भी रहेगा, आराम भी नहीं यूज करते। तीसरा चीज है ऊंट की खाल का, भेड़ की खाल का जूता चप्पल। जैसे किसी के घुटनों का दर्द रहता है, हड्डियां फटता है, हड्डियां दर्द करता है, 15 दिन बना दो जल्दी से लेते हैं। सारी चीजें चौथा आइटम जो आप ताजमहल देखने के लिए आए हैं उसके पत्थर से बने हुए ताजमहल के मॉडल फोटो फ्रेम कैंडल स्टैंड। कोई भी आइटम अच्छा लगे ले जाने की दिक्कत, पैसों की कमी, घर का पता लिखाइए, 40% ले जा दीजिए और 60% अपने घर। कैश ऑन डिलीवरी पे भी कर सकते हैं। वाह यार, बहुत अच्छा ऑफर, 40% इनसाइड एंड 60% कैश। बहुत अच्छी ये फैसिलिटी आपने मतलब यहाँ पे जो है चालू है। अरे सर जी, हमारी स्कीम है गवर्नमेंट। हाँ भाई, अभी आप जो बात किसी को अच्छा लग जाता है बजट के हिसाब से प्रॉब्लम होती है तो उसको सहूलियत हो जाती है। बहुत अच्छा है, बहुत पार्सल का भी हमारा कोई खर्चा नहीं है। इसको बोलते हैं मुगल गार्डन। फ्राइडे को अपना ताजमहल बंद रहता है ना, फ्राइडे को शूटिंग वगैरह चलती है। जैसे अभी भूमि भूमि गली हुई थी, देखी होगी संजय पूरी आगरे की सब्जी। और कुछ हिस्सा है जो वहाँ जोधपुर का है लास्ट बस। इसके अलावा ये अपना मीना बाजार है सर, इसे दिखाने के बाद आपका लगेज जमा कराऊंगा, उसके बाद टिकट कराऊंगा। ओके, और इसके टिकट वगैरह नहीं आ रहा हूँ उसे देखिए, और मेरा कोई वेटिंग चार्ज नहीं। ठीक है, ये तो आपकी बहुत अच्छी बात है, ये गवर्नमेंट की तरफ से सर। हाँ, एक घंटा लगा मुझे भी ट्रेनिंग करना है सर। आइए तो ये सारी मीना बाजार की साड़ी यूपी हैंडलूम का है साड़ी। बैठो आप लोग, थोड़ा सा बैठिए, दिखाइए वैसे। हाँ बैठो बैठो,
बैग निकाल के नीचे रख लो बैग। और यहाँ का तो अपना कोई चीज पसंद भी आता है ना तो एटीएम कार्ड डेबिट कार्ड यूज कर सकते हो, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं। तो यहाँ बनाते हैं तो बांस के रेशे का साड़ी, ये सब यूपी हैंडलूम का प्रोडक्शन है, कोई मिलेगा नहीं आपको। ये आपका मम्मी जी के लिए, बहन के लिए, भाभी के लिए, जिसको भी देना चाहो देखो, तबियत खुश हो जाएगा देखकर। ये साड़ी घर में धुल जाता है और धोने के बाद में इसमें चावल के पानी का इस्त्री का जरूरत नहीं है, धोना और पहनना। दोस्तों आयरनिंग करने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, धोना और पहनना। दो साल का लाइफ रहता है, गवर्नमेंट का बिल मिलेगा, दो साल में खराब हो जाए रिटर्न करके नया पीस मिल जाता है। बट रिटर्न करने अगर कहाँ से आया आप लोग? मुंबई से। मुंबई से आया, मुंबई फोर्ट बाय बीच पे रिटर्न हमारा खाटी खराब रहता है, लोगों तो इधर रिटर्न आ जाता है, आपको डायरेक्ट कोरियर से इधर भेजने का बिल मिलता है इसका प्रॉपर। ओके, ये 750 का साड़ी आता है, 750 रुपीज की। और यहाँ पार्सल फैसिलिटी भी रहता है, अपने कैरी करने का प्रॉब्लम, मनी प्रॉब्लम, बिल अमाउंट का 40% अमाउंट अभी पे करो, 60% एड्रेस में पता लगा ऐसा पैसा पार्सल से। अच्छा 40% पे करो, 60% उधर पोस्टमैन को देना, पार्सल लेना, वन वीक में पार्सल का रहता है। तो गवर्नमेंट फैसिलिटी है पूरा, देखिए ये चीजें हर जगह मिलते नहीं है आपको, घूमने फिरने में खर्चा कर जाते हैं, निशानी जाता है आगरे का, घर से सोच कर कोई नहीं आता है हमको कुछ खरीदना है। तो जो भी आता है दो दो चार चार साड़ी लेकर जाता है, घूमने फिरने में खर्चा कर जाता है, निशानी जाकर इसका पल्लू देख के दिखाता है, बहुत बढ़िया कलर डिजाइन है, कमल कमल कलर में देखे पहनने से मालूम पड़ेगा कोई नया चीज पहन रखा है। ये देख हाथ में पकड़ने के बाद ही अंकल ऐसा फील आ रहा है कि कुछ अलग चीज है। हाँ वही आज तक मतलब मैंने तो ऐसी नहीं देखी थी, जिस हिसाब से आप बता रहे हो नया चीज निकाले बहुत बढ़िया कलर डिजाइन है। भैया ध्यान लगने की बात है, गेट बना हुआ है एंट्रेंस के लिए। ओके महल एंट्रेंस मुस्लिम पहले से तो कुरान लिखा हुआ है, तो 1, 2, 3 गेट कौन कौन से? वन वेस्ट गेट है, वेस्ट गेट। ओके ये वेस्ट जिस साउथ गेट है, साउथ ईस्ट गेट है, वी आई पी गेट बोलते हैं। उस टाइम में राजा महाराजा जो आते थे वी आई पी गेट जिससे हम लोग आए, मतलब हम लोग भी वी आई पी वाले आए, जितने भी फिल्म स्टार एक्टर मंत्री संतरी वो वाले गेट आते हैं, क्योंकि यहाँ से क्यों आते हैं फॉरनर भी लेकर आते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ 5-star होटल है, अच्छा टाइम में होटल नहीं है, कुछ भी नहीं है, जहाँ होटल होगा वही स्टार आएगा, बात तो समझो। जितनी मंत्री संतरी कहाँ से आएंगे, यहाँ होटल है, पहले रेस्ट करते हैं, हमारे तक ही नहीं आते, गाड़ी लाते हैं फिर फ्रेश होते हैं, ये नहीं है आ गए फ्रेश होकर अपना मैच का वैभव करके ताजमहल ऐसे आते, क्योंकि उनको पब्लिक सिटी होता है, जितने भी लोग अभी संजय दत्त की भूमि की फिल्म हुई थी, जिस सीन से पीछे थे भूमि देखेंगे पीछे हुए थे, और जहाँ पे हम आगे खड़े थे यहाँ नहीं 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 आपके एंटी जो है वेस्ट के, आप मुझे कहाँ मिले थे? वेस्ट वेस्ट पे। ओके वहाँ से एंट्री है वो वेस्ट पे। और एक बात ध्यान रखना, मैं आपको बता के फ्री कर दूंगा, जब आप घूम के आएंगे तो किस गेट से निकलेंगे? वेस्ट वेस्ट, क्योंकि ये सामने अलग ही दिखाई दे जाएगा, जो जो नंबर वन है वो आएंगे वहाँ से आएंगे, वो सीधा हाथ निकल रहा है, वो मैं केवल आए यहाँ से क्योंकि ओनली गाइड हो गए अलाउड है यहाँ पे, 1000 की टिकट मिलती है, हम जो गाइड लोग हैं जो गाइड हो सकता है आपके पास, जो लोग जिन पर ट्रेन जिनकी फ्लाइट हो आपको परमिशन, और आपसे सिर्फ इतनी करती कोई पूछता नहीं है, गाइड लाया तो ये बेचारे जल्दी में गाइड ही ला सकता और कोई नहीं ला सकता, क्योंकि वो एक धोखे से आए तो 1000 रुपए की टिकट देके आनी पड़ेगी। अच्छा ऐसा भी है? ऐसा ये रूल है। वाह बिना गाइड के कौन आ रहा है? ये भी आ रहा है, ये आ रहा है यहाँ पे, मतलब इस गेट से जितने भी आ रहे हैं, ये होता है